साल 2018 आयरलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच प्रैक्टिस मैच चल रहा था और इस मैच के दौरान एक ओवर में गेंद थी कर्टिस कैम्फर के हाथ में। हाँ हाँ, वही वाले कैम्फर जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप राउंड वन मैच में नीदरलैंड्स के खिलाफ 4 गेंदों में 4 विकेट ले डाले। हाँ, तो कैम्फर बॉलिंग कर रहे थे और नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे आयरिश कैप्टन नील ओब्रायन। अंडर 19 में साउथ अफ्रीका के लिए खेल चुके कर्टिस कैम्फर का जन्म जोहानसबर्ग में हुआ था, लेकिन उनकी दादी आयरलैंड में रहती थी और इसके चलते उनके पास आयरलैंड का पासपोर्ट भी था। इसी पासपोर्ट के दम पर कर्टिस ने नील के कान में कहा, मेरे पास आयरिश पासपोर्ट है। उस वक्त तो नील ने इस बात को हंसकर टाल दिया, लेकिन मैच में कैम्फर का प्रदर्शन देख नील से रहा नहीं गया। वो कैम्फर के पास गए और उन्हें आयरलैंड के लिए खेलने का ऑफर दे दिया। कैम्फर तो यही चाहते थे, उन्होंने ये ऑफर दोनों हाथों से लपका और बन गए साउथ अफ्रीका से आया आयरिश क्रिकेटर। था गए कर्टिस कैम्फर और अब ये आयरिश क्रिकेटर बन चुका है T20 वर्ल्ड कप 2021 से निकला पहला स्टार। इस साउथ अफ्रीकन आयरिश क्रिकेटर का नाम अब पूरी दुनिया में छाने वाला है। इन्होंने काम ही ऐसा किया है, नीदरलैंड्स के खिलाफ 4 गेंदों में 4 विकेट लेकर कैम्फर रिकॉर्ड बुक्स में अमर हो गए हैं। जाहिर तौर पर वो ऐसा करने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज नहीं हैं, लेकिन अपनी टीम आयरलैंड के लिए तो है ही कट टू कट T20 वर्ल्ड कप राउंड वन का तीसरा मैच। आयरलैंड के सामने थी नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 9 ओवर के अंदर अपने 2 विकेट गंवा दिए। इस बीच 10वां ओवर लेकर आए कर्टिस कैम्फर और अपने पहले ओवर में 12 रन देने वाले कैम्फर ने दूसरे ओवर में इतिहास रच दिया। दूसरे ओवर की पहली गेंद वाइड गई और अगली गेंद पर आया विकेट, कॉलिन एकरमैन वापस हो लिए। इसके बाद तीसरी गेंद पर रियान टेंडेस्कॉट स्ट्राइक पर आए, सीधी गेंद और अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश में ये पवेलियन लौट गए। ओवर की चौथी गेंद कर्टिस के सामने इस बार स्कॉट एडवर्ड्स रहे, प्लेयर नया लेकिन नतीजा सेम। अक्रॉस द लाइन खेलने के चक्कर में इनको भी पवेलियन लौटना पड़ा और इस विकेट के साथ कर्टिस कैम्फर की हैट्रिक आ गई। T20 विश्व कप में हैट्रिक निकालने वाले वो दूसरे गेंदबाज बन गए। इससे पहले 2007 में ब्रेट ली ने बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक ली थी, लेकिन कर्टिस कैम्फर इतने में कहां रुकने वाले थे। ओवर की 5वीं गेंद में उन्होंने एक और विकेट निकाला, इस बार वॉन्डर मर्वे को बोल्ड किया और लगातार 4 बॉल पर 4 विकेट निकालने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए। कर्टिस से पहले ये कमाल 2019 में आयरलैंड के खिलाफ राशिद खान और 2019 में ही न्यूजीलैंड के खिलाफ लसित मलिंगा ने किया था। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को शूट किया है दीपक ने, मैं हूं गरिमा, आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।